मैं बैंगलोर से आया हूँ आपका शिष्य। मेरा प्रश्न है कि ये बहुत दिनों से भी मेरे मन में था और आप आज आ गए तो मैं पूछ लूँगा। मर्यादा पुरुषोत्तम, राम जी ने क्यों सीता मैया की अग्नि परीक्षा ली, क्यों उनको ये करनी थी? अच्छा, भगवान श्री राम जब सीता माँ को, जब रावण को परास्त करके दोबारा लाते हैं, तो उसके बाद राम जी ने सीता माँ की अग्नि परीक्षा क्यों ली? ये क्वेश्चन आपके मन में नहीं है, बहुतों के मन में है। और परेशानी यहां पर आ जाती है कि आप ठीक है, आपको क्वेश्चन किया। सबसे पहली बात तो मैं आप सब युवाओं से एक निवेदन करूं, आजकल यूट्यूब से बहुत ज्ञान मिल रहा है और इतना व्यर्थ का ज्ञान मिल रहा है जिसका ना कोई सर है ना पैर है। कहीं की कहानी पढ़ लेके कुछ भी वीडियो बना रहे हैं, ठीक, और हम उसी को सत्य समझ बैठते हैं। अधिकांश लोगों ने रामायण नहीं पढ़ी, रामचरित मानस नहीं पढ़ा, अधिकांश लोगों ने नहीं पढ़ा। जो जहां से सुन लिया, छोटा मोटा सुन लिया, उसी पे प्रश्न खड़ा हो गया और हमने भगवान पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। किसी और पे नहीं, भगवान पे प्रश्न चिन्ह लगाने में भी हमें एक सेकंड लगता है। अब जब हम रामचरितमानस पढ़ेंगे तो रामचरितमानस पढ़ने पर आपको सब पता चल जाएगा कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। अब मैं आपको वो घटना सुनाता हूं और यहां पर जितने भी युवा बैठे हैं ध्यान से सुनेंगे तो आप खुद कहेंगे कि राम ने परीक्षा नहीं ली। क्या हुआ, घटना कब की है? घटना है पंचवटी की, सीता हरण से पहले की। सीता हरण हुआ नहीं अभी, सीता हरण और सुपर्णखा का जो नाक कटा है उसके बीच की घटना है। सुपर्णखा की नाक कट गई, लक्ष्मण जी ने काट दी, सुपर्णखा गई रावण के पास। अब भगवान जानते हैं कि द्वंद्व तो शुरू हो गया, जिस कार्य के लिए मैं आया हूं देव कार्य करने के लिए तो वो करना ही पड़ेगा। तो सीता मां को भगवान श्री राम ने कहा, अब कछु करब ललित नर लीला। भगवान श्री राम मां जानकी से कह रहे हैं, हे प्रिय, मैं कुछ मानव लीला करना चाहता हूं, अब यहां से आगे मानव लीला करना चाहता हूं, तो तुम्हें क्या करना है? बोले, तुम पावक महु करहु निवासा, जब लग करहु निसाचर नासा। तुम ये करो कि तुम अग्नि में बास करो। कब तक? बोले, जब तक मैं राक्षसों का विनाश न कर दूं। ध्यान देने योग्य बात है, सब सुनना, ये रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा हुआ है, मैं चौपाई बोल रहा हूं। जब लग करऊ निसाचर नासा, तुम पावक मऊ करो निवासा, तुम पावक में निवास करो, ये लिखा हुआ। तो भगवान श्री राम कौन है? सीता माँ के पति, और वो साधारण पति नहीं, परमात्मा ही है। और माँ जानकी कौन है? साधारण है, जगत जननी है, शक्ति है राम की। अब उनमें वो सामर्थ्य, वो जो चाहे कर सकते हैं। तो पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि राम जी की आज्ञा का पालन करने के बाद सीता मां ने अपने आप को अग्नि में स्थापित कर दिया। अब बहुत से लोग कह रहे होंगे, अरे अग्नि में कैसे स्थापित कर दिया, जली नहीं थी वो, सती थी ना, वो कुछ भी कर सकती हैं, पतिव्रता है ना, वो कुछ भी कर सकती हैं। आजकल हम किसी से हाथ मिलाते हुए घूम रहे हैं, वो लोग किसी की भी बाइक पे पीछे बैठने वाले लोग, किसी की भी गाड़ी में गलवैया डाल के घूमने वाले लोग थोड़ी ना इस महत्व को जानेंगे। वो तो माचिस की तीली से जल जाते हैं, मोमबत्ती जलाते खुद का हाथ जला लेते, वो कैसे जानेंगे इस बात को, उन्हें पता ही नहीं है। उल्लू तो कहता है कि सूरज नहीं है, क्यों कहता है उल्लू सूरज नहीं है? क्योंकि उल्लू ने कभी सूरज देखा ही नहीं, उसे दिखता ही रात में। वैसे ही करेक्टरलेस पीपल कभी भी सीता मैया के इस सतीत्व की शक्ति को नहीं पहचान सकते, जो करेक्टरलेस है। और जिन्हें करेक्टर की वैल्यू मालूम है, उन्हें मालूम है कि यह हो सकता है। कौन है सीता मैया? राम जी की शक्ति है, जगत जननी है सीता मैया साथ, और जगत में ही अग्नि। तो सीता मैया कौन हुई?
है ना, सीता माँ, सीता माँ, तो उनमें अग्नि देव को कहा कि तुम अग्नि में बास करो, तो अग्नि में बास किया और अपना जैसा स्वरूप, मतलब एक और असली सीता तो रह गई अग्नि में और वैसी दिखने वाली एक प्रतिबिंब, एक पिक्चर कह लो या एक नकली कह लो, एक आप लोग फिल्मों में डबल रोल देखते हैं ना, डबल रोल होता है, वैसे ही एक और रोल अदा करने के लिए शक्ति माँ ने, सीता माँ ने अपना एक स्वरूप वैसा ही बनाया और सीता जी राम जी के बगल में आकर बैठ गई, किसके लिए, आगे की लीलाओं के लिए, असली सीता नहीं, आर्टिफिशियल सीता आप कह सकते हैं। एक और बात यहां पर समझ लीजिए, राम जी ने ऐसा क्यों करवाया, पहले ये भी समझ लो, राम जी ने ऐसा क्यों करवाया, इसलिए करवाया कि अगर असली सीता होती तो रावण के बाप में इतनी हिम्मत नहीं थी कि सीता जी को हाथ लगाना छोड़ो, देख भी ले ढंग से, देखने की हिम्मत नहीं पड़ती रावण की, असली सीता जी होती तो, नकली सीता जी में इतना सामर्थ्य था कि रावण लंका भी लेके चला गया फिर भी वो कुछ साहस नहीं जुटा पाया, नकली सीता में इतनी पावर है, तो असली सीता जी को जब वहां थी और जब वो कुछ प्रयास करता पकड़ने का, उठाने का, क्या होता, वहीं जल के नष्ट हो जाता, और वहीं जल के नष्ट हो जाता तो बाकी के राक्षसों का क्या होता, तो इसलिए तो अग्नि में बास कराया। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब लंका में रहे, लंका में रहे, युद्ध हुआ, आधे आधे काम हुआ, अब युद्ध में रावण को हरा दिया, राम जी जीत गए, अब वापस जाना है कहां, अयोध्या, अयोध्या। अब रावण के यहां लंका में तो नकली सीता चल जाएगी, नकली भक्ति चल जाएगी, सीता मैया भक्ति जगत जननी, वहां तो नकली सीता चल जाएगी, पर अयोध्या में जहां भक्त ही भक्त हैं, राम जब से गए कोई पानी नहीं पी रहा, राम जब से गए कोई तब से अन्न नहीं ग्रहण कर रहा, राम जब से गए कोई एक ही पैर पे खड़ा है, राम जब से गए वो घर में ही नहीं लौट के आया, राम कितने लोग तप कर रहे हैं, क्या वहां नकली भक्ति जाएगी, नहीं, वह नकली सीता जाएगी, नहीं जा सकती, वहां तो असली सीता चाहिए। अब असली सीता अग्नि में बैठी है, अग्नि में बैठी है, उसी जगह पर एक और चौपाई है, लक्ष्मण हूं ये मरम न जाना, जो कछु चरित्र कीन भगवाना, लक्ष्मण को भी नहीं पता कि नकली सीता, असली सीता अग्नि में और नकली सीता का हरण हुआ है, नहीं तो लक्ष्मण जी भी कहते काहे को लड़ रहे हो भाई, काहे को लड़ना, हो गया तो जाने दो, हमारी माता जी तो अग्नि में निकाल ले चलते, लक्ष्मण को भी नहीं पता था ये बात। अब जब लक्ष्मण को भी नहीं पता और सीता जी को असली लेके जाना है तो क्या करें, नाम दिया उसे अग्नि परीक्षा का कि सीता तुम लंका में रह के आई हो, लोग तुम्हें न जाने क्या क्या शब्दों से, या बोले नहीं, हो सकता है तुम हमारी पत्नी हो, कोई बोलेगा नहीं, पर उनके मन में तो कोई चीज रहेगी, इसलिए एक काम करो तुम हमें परीक्षा दो। ठीक, परीक्षा का बहाना बनाकर असली वास्तविक सीता को, और क्योंकि मैंने रामलीला की है, मैं राम बना हूं, मुझे मालूम है, उस समय जब सीता लक्ष्मण जब अग्नि प्रज्वलित करने जाते हैं तो अग्नि साक्षात प्रकट होते हैं और ये कहते हैं ये वही सीता हैं जो आपने मुझे दंडकारण्य वन में सौंपी थी, जैसे गंगा पवित्र है, जैसे जमुना पवित्र है, जैसे नर्मदा पवित्र है, जैसे अग्नि पवित्र होता है, ठीक वैसे ही मां जानकी पवित्र है, आपने स्वीकार कीजिए। अब यहां जितनी बच्चियां बैठी हैं, युवा बच्चे बैठे हैं, अब वो सीता जी आ गई असली, किसमें से, अग्नि, अग्निदेव स्वयं ले आए, नकली गौन, असली प्रकट हो गई। अब बताओ यहां कौन सी परीक्षा ले ली राम जी ने, जवाब दो, तुमको लग रहा है परीक्षा ली, नहीं कोई परीक्षा नहीं, समझ गए, हाँ। अरे भाई जो सीता जी, हम जहां कोई वस्तु रख दें और किसी को पता नहीं और फिर भी कोई बहाने से वो चीज वस्तु निकालनी है तो कोई ना कोई बहाना तो बनाना ही पड़ेगा, तो वो परीक्षा नहीं बहाना था और सीता के उस प्रभाव को दुनिया को बताना था कि हमारी भारत की माताएं इतनी पवित्र होती हैं कि अग्नि भी उन्हें जला नहीं सकती, ये शक्ति है माताओं की, इसे कहते हैं नारी शक्ति, वुमेन पावर, ये है, ये वुमेन पावर नहीं है कि क्या छोड़ो, ये है वुमेन पावर, अग्नि भी जिसे न जला सके, और ये भारत की देवियों में प्राप्त होती है, यत्र तत्र नहीं होती है, परीक्षा नहीं पुरुषार्थ करते हैं भगवान श्री राम, राधे राधे, राधे राधे।
जय सीता मैया की। जय सीता मैया की।